नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं आप। सीधी लाइव तस्वीरें आपको सनातन धर्म मंदिर से दिखाई जा रही हैं, जहां पर अग्रवाल युवा सभा का चुनाव चला हुआ था सुबह से ही, लेकिन कुछ जो घटना हुई है उसी की जानकारी हम दे देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि चुनाव से सभी प्रकार की लाइव हम दिखाएंगे आपको, और उसी को लेकर के ये आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, सनातन धर्म मंदिर से दिखाई जा रही हैं, जहां पर आपस में कुछ छटपट जरूर होती है चुनाव में, और इसी की लाइव तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। जो तो दोनों पक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। कैथल ब्रेकिंग टीवी से आप ज्यादा शेयर करें, और चुनाव से जुड़ी हुई जो अग्रवाल युवा सभा का चुनाव है उससे जुड़ी हुई सभी प्रकार के अपडेट आपको मिलेंगी कैथल ब्रेकिंग टीवी पर। तो खबर को ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि छुटमुट घटनाएं चुनाव के अंदर ये दिखाई दे रही हैं आपको। यह भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार यह घटना क्यों हुई, क्या दिक्कत हो गई, बातचीत कर लेते हैं एक बार। हम जैन जी मेरी वोट नहीं पड़ी, इंग्लैंड गवर्निंग बॉडी ने दोनों बार बार रिपोर्ट रिन्यूअल क्यों करी है? किसने काटी है? मैनेजिंग कमेटी कह रही है प्रेजाइडिंग ऑफिसर है जिन्होंने काटी है। जो हम जाए इस करके हमारी रिपोर्ट नहीं पड़ती, हम 10 साल से इसके मेंबर है कंटिन्यूसली, हर दफा हम वोट डाल रहे हैं। तो आप रात की रात क्या हुआ, क्यों वोट काट रहे हैं? बिल्कुल हमारे पास जो है हर साल देते हैं, वोट रिन्यू करवा बिल्कुल करवा रखी है। ये लो, कब पता लगा आपको भाई वोट काट देंगे? जिस समय हम वोट डालने के लिए आए तो हमें क्या कहते हैं भाई, आप जो है नो आप एलिजिबल नहीं हो। क्या उनकी मर्जी चलेगी क्या? पहली बात तो वोट क्यों बनाई हमारी, क्यों रसीद काटी गई? अगर उनको मालूम था ये, यानी कि साजिश करिए, ये क्यों कर रहा है उन्होंने ऐसा काम? ये रिन्यूअल है हमारे, हमने ये रसीदें भी दिखा दे रहे हैं, रिन्यूअल की जो रसीदें होती हैं वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि हमारी वोटें काट दी। स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे हम, अग्रवाल समाज से पैसे देंगे, अगर 1000 रुपये देंगे तो वोट रिन्यू कराएंगे, नहीं टाली करते। पूर्व प्रधान का कहना है कि जैसे हर चुनौती चीज सोना नहीं होती, हर चैन बनिया नहीं होता। हाँ जैसे ऐसा ही हो रहा, हर चैन बनिया नहीं है, यही कह रहे हैं। इनको एक दिन पंचायत करके अरे अग्रवाल की उनको निष्कासित कर दे, आप अग्रवाल समाज से नहीं हो। चैन बनिया नहीं तो मुझे मुखिया चैन अपना चैन को लिखे, वीर बन चैन चैन को लिखे, अपना सरनेम लिखे, क्यों लिख रहे हो आपने पीछे? वोट काट क्यों रहे हैं आपकी, क्या दिक्कत है? वो तो उनको दिक्कत है, हमें क्या पता क्या दिक्कत है? वो तो पैसे हटने जाते हैं हमारे से, पैसे हटने जाते हैं। नहीं तो जैन का लगा रहे हो आरोप, जैन का जैन हम 10 साल से इस सभा के कंटिन्यूसली मेंबर हैं, एनुअल फीस बिल्कुल हम दे रहे हैं, ठीक है, मेंबर है, लाइफ टाइम मेंबर है। फिर भी जिस समय वोट डालने के लिए आए तो इन्होंने कहते हैं आप जैन हो, आपके पीछे सर नेम जैन लगा हुआ है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हो। हमने ऑब्जेक्शन किया, जो अनदर जैन है, वीरवान जैन है इसके अंदर मेंबर, मुकेश जैन मेंबर है, अनदर मेंबर है, उनको भी काट दो। फिर वो लिखा मित्तल जंदल सिंगल बिंदल जो भी है वो लिखो। हम कैथल से हैं, चंडीगढ़ से आए, हम चंडीगढ़ से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, पुलिस प्रशासन में मौजूद है। यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हो कि यहाँ पर जो भीड़ है इसको उखाड़ने का कोशिश कर रही है, जो मंदिर में भीड़ है इसको बाहर निकाल रही है पुलिस कर्मचारी, लेकिन इनका कहना है कि इनका आरोप है हमारी वोटें काट दी गई है। Yeah.
सीधा सीधा इन्होंने आरोप लगाया है कि हम हमारी वोटें काट दी गई हैं। इनका आरोप है कि हम जैन हैं, इसलिए यह कहकर हमारी वोटें काट दी गई हैं। और इसी को लेकर के यहाँ पर इन्होंने आकर के पूछा, जब पूछताछ की तो इनकी वोट कटी मिली। कोई साथी है जो वो बाहर से भी आए हैं, कुछ साथी जिनकी वोटें काटी गई हैं, लेकिन आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से जरूर देख रहे होंगे, इनका रोष है, जो रोष व्यक्त कर रहे हैं। जी आगे क्या क्या हो रहेगा? 9:15 बजे मेरे पास फोन आया रामकुमार का, आपने वोट डालने के लिए आना मामा है। उस टाइम भी तो कैसे कहता आपका वोट नहीं डलता, हम आने की टाल करते। क्या ये बीरबान जैन और ये क्या नाम लेकर मुकेश जैन, ये अग्रवाल या कौन से जैन है? ये अपने नाम के पीछे से सरनेम टाए जैन, ये सिर्फ अल्पसंख्यक योग लेने के लिए, फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट के जैन शब्द लगाया है। वैसे कोई जैन नहीं है, हर मल्टी है जैन की, इनका जैन शब्द हटाया जाए तो इनका सीधा जैन का जो इन्होंने जैन है इनका वोट का अधिकार रहा, उसका वोट का अधिकार छीना जा रहा। कितने लगभग कितने वोट है जो जैनी जैनिया के जातों में कहता नहीं 60-70 वोट होंगे, उनके भी कैंसिल करो। उन्होंने जैन क्यों लगाया? जैन धर्म ही अग्रवाल दर जो ये हिंदू धर्म है ना, जैन धर्म अलग अलग है, तो फिर इनके वोट लेने के लिए नोट लेने के लिए क्यों याद किया जावे? इससे पहले भी डाली होगी वोटें, इससे पहले भी डाली है आपकी इसी चुनाव में? क्या इससे पहले भी डाली है, 2016-17-14 में जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम भी डाली है, और उस टाइम भी वोट बनाई थी इन्होंने। और जब ये 9 तारीख ने हमारे से डोनेशन लिया, चंडीगढ़ हमारे पे फोन करे भाई आपकी वोट ऐसे ऐसे करके है, तो उस टाइम ये पर्ची क्यों काटी गई? चलो भाई चलो, उस टाइम पर्ची क्यों काटी? इनका सीधा सीधा आरोप है, ये सीधा सीधा आरोप है, इन्होंने रसीद भी इनके द्वारा दिखाई गई है। मैं खुद जैन हूँ, पंचकुला से आया हूँ। आपकी वोट काट दी गई है? मैंने डाली, ये भाई जैन है लेकिन इसकी वोट डाली है लेकिन दूसरे जो जैन है उनका सीधा सीधा आरोप है कि हमारी वोट क्यों काट दी गई। सनातन धर्म मंदिर से अगर कोई गरीब बढ़िया खड़े होता ना, उसको वोट, उसको खड़े होने का अधिकार भी नहीं है। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहूँ, ये 2016 के अंदर मैं यहाँ जब दीक्षित इलेक्शन जीतता था ना, उस टाइम मैं कैंडिडेट था, उस टाइम मेरे क्या दिया सारे ने, जितने यहाँ 6 कैंडिडेट बने रहे ना जो आज अधिकारी हैं, इन्होंने मेरे को बिठाया था। अगर मैं चंडीगढ़ ना होता तो आज इलेक्शन लड़ता मैं। सीधा सीधा खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चुनाव से जुड़ी हुई हर ताजा अपडेट कैथल ब्रेकिंग टीवी पर आपको देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन इनका आरोप है कि हमारे क्या ये कुछ अपने परिवारों के वोट रखने चाहते हैं, अदर को खत्म करना चाहते हैं भाई। हमारे परिवार जो कुछ लोग हैं ना यहाँ के भाई, अपने परिवार के वोट 200-250 तो खत्म कर दिए। और आपने वोट कब बनवाई थी? मेरा वोट तो 2009 से है, इस भाई का तो जब पहला इलेक्शन हुआ था ना, जब वोटिंग हुई उससे पहले का वोट है। तो इनका सीधा सीधा आरोप है कि हमारी वोटें काट दी गई, साजिश के अनुसार हमारी वोटें काटी गई हैं। लेकिन कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से आपको सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। सनातन धर्म मंदिर में जो अग्रवाल युवा सभा का चुनाव था उसके दौरान ये इनका आरोप लगा। सुबह के समय वोटिंग बिल्कुल सही हुई, लेकिन दोपहर को जो बाहर के पता की बात है। हाँ जी, क्या दिक्कत है? बात पांच की नहीं, अगले तो सवाल इस बात काम छोड़ गए हैं, 2000 रुपये का तेल लगा गए हैं, हम अपना काम छोड़ के कारोबार छोड़ के किस उत्साह से आए भाई हमारा? अगर ये कह रहे हैं ना भाई ये क्या नाम है, बकवास की बातें हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई वोट नहीं पड़ेगा, उससे कुछ नहीं होगा, ये तमाशा किस चीज का बनाया जा रहा? ये 6 लोग ये 2 आदमियों को नहीं बिठा सके, ये अग्रवाल समाज को सड़क पे लेके आए हैं, ऐसा मैंने कम से कम 7-8 साल में दोबारा देखा। ये अग्रवाल समाज का सारा सड़क पे ले आए, ये 6 लोग सड़क पे ले आए, एक पैर पकड़ के नहीं बिठा सकते थे एक आदमी को भाई, तो अधिक वो बनेगा, प्रधान बनेगा। आगे क्या रहेगा आपके, आप रूपरेखा क्या रहेगी आगे, क्योंकि वोट तो डालने नहीं दिया? वोट तो डाल के जाएंगे भाई साहब, वोट तो डाल के जाएंगे, नहीं कोर्ट लग जाएंगे। जो अग्रवाल कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा तो वहां तक कोर्ट का, अग्रवाल समाज की लड़ाई सड़कों पे आ चुकी है तो ये कोर्ट में भी जाएगी।
भाई साहब भाई साहब सीधी लाइव तस्वीरें आपको कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। सनातन धर्म मंदिर के बाहर जाओ, ये घटना हुई है चुनाव के दौरान, हाथापाई तक नौबत आ चुकी है। चुनाव के दौरान हाथापाई की भी नौबत यहां पर देखने को आपको दिख रही है। कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सनातन धर्म मंदिर के बाहर से जो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, अग्रवाल युवा सभा का चुनाव था सुबह से ही। पुलिस प्रशासन द्वारा भी सख्ताई बरती गई है। करो 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 खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सीधी लाइव तस्वीरें आपको सनातन धर्म मंदिर से के बाहर से दिखाई जा रही है, जहां पर अग्रवाल युवा सभा का चुनाव था और इसी के दौरान ये झगड़ा हुआ। हाथापाई नौबत हाथापाई तक आ चुकी है। इनका आरोप है कि हम जैन हैं इसलिए हमारी वोट काट दी गई है। इनका कहना है कि हम जैन थे लेकिन हम बाहर से आए थे, या तो हमारे पर जो रसीद है वो हमने वोट रिन्यूएबल को अधिकार होना चाहिए, यदि हमारा वोट नहीं डालने दिया गया तो हम कोर्ट तक जाएंगे। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर जरूर कर दें। तो दोनों पक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल ही दोबारा फिर गहमागहमी शुरू हो चुकी है और नौबत हाथापाई तक आ चुकी है। अग्रवाल युवा सभा के जो अग्रवाल समाज के जो लोग हैं वो एक दूसरे को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चलो चलो ग्यारह सौ कुछ वोटों पर यह चुनाव लड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर दोपहर होते होते झगड़े तक नौबत आ गई। इनका कहना है कि जो जैन समाज के वोट हैं इन्होंने कुछ वोटों को काट दिया गया है। कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई दे रहे हैं। सनातन धर्म मंदिर से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।
जहां पर अग्रवाल युवा सभा का सुबह 9 बजे से चुनाव स्टार्ट हो चुका था। 1100 कुछ वोटों पर यह चुनाव था। दोपहर को कोई जैन समाज के जो व्यक्ति थे वो वोट डालने के लिए आते हैं और उनका उन्हें पता लगता है कि उनका वोट काट दिया गया, इसी को लेकर के उन्होंने विरोध जताया और नौबत यहां तक आ गई कि हाथापाई तक नौबत। चलो चलो कोई नहीं, ज्ञान के नाम नहीं लेने जाते। बस ठीक है, सब कुछ काम से हो रहा है। क्यों मुका अग्रवाल जैन समाज में जैनी तो जैनी है, बढ़िया है, बढ़िया की वोट है। महाराजा के सुनो, महाराजा के सैन का एक बात सुनो, एक देता कोई भी आदमी आए एक रुपया एक ईट हर एक को मिलेगी, एक सिक्का एक रुपया तो नहीं, चांदी की सलाह लो, चांदी का रुपया था, एक चांदी का रुपया एक ईट देता। वो समाजवाद के प्रवर्तक थे, ये समाजवाद को भिन्न कर रहे हैं। एक तरफ तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, दूसरे से बात ये कह रहे हैं कि नॉन अग्रवाल है ये। नॉन अग्रवाल वोट क्यों बनाई, रिन्यूअल क्यों करी, किसने बनाई? सभा चंदा में गया, किसने बनाई? फिर मैं भी नॉन अग्रवाल हूँ। कौन गए क्या पता, किसी को कोई लगा नहीं लगा, मुकेश जैन के पीछे के लगा सिंगला पीछे ही सिंगला लगा के तो लगा नहीं लगेगा। समाज को भी दो वर्गों में बांट दिया इन्होंने। हाँ बिल्कुल, मार दिया क्या मतलब है, जब वोट बढ़ गई, मणिये तो है ओस वाला जिंदल का ब्याह तो सुनो, लेकिन जिंदल का ब्याह ओस वाले में हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? जिंदल से पूछना पड़ेगा ना हमें, जब ओस वाले नहीं, कुछ समाज के जो जैन समाज के वोट हैं वो तो अभी डाल के आए हैं सुबह। हमने ये भी कह दिया भाई इन 5 आदमियों को सम्मान रखो, किसी की बुआ लो, 3 पा दो, 2 पा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पा दो, क्या फर्क पड़ेगा? एक आदमी मान सम्मान है बेचारे, इतनी दूर से आए हैं, उनका मान सम्मान रखो। थैंक यू। आपकी वोट थी या आपने वोट डाली है? डाल दिया मैंने वोट। आप जैन थे, आपने कैसे वोट डाली? नहीं तो की नहीं, मतलब इनकी वोट डाली है। आप तो जैन हो, फिर वोट कैसे? बसंत जैन, प्रेम जैन, विनय जैन, मुकेश जैन, क्यों तो सनातन धर्मेंद्र के बाहर से सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई रही हैं, जहां पर जैन समाज के जो कुछ वोटर थे उनको लेकर विवाद हो गया था और विवाद यहां तक बढ़ गया कि हाथापाई तक नौबत आ गई। पुलिस प्रशासन द्वारा भी जो सख्ताई थी वो बरती गई और जल्दी से उनको बाहर निकाल दिया गया, सनातन धर्म मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने के बाद भी कुछ हाथापाई उनपे देखने को मिली। कैथल ब्रेकिंग टीवी पर ताजा अपडेट, चुनाव से लेकर ताजा अपडेट मिलेगी आपको। कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से आप सीधी लाइव तस्वीरें सनातन धर्म मंदिर के बाहर से आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर अग्रवाल युवा सभा का चुनाव जो चला हुआ है और चुनाव में जो दिक्कतें आती हैं, जो छुटमुट दिक्कतें आती हैं, तो खबर को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शहर से जुड़ी हुई हर अपडेट कैथल ब्रेकिंग टीवी पर आपको दिखाई देगी। और आज सनातन धर्म मंदिर के बाहर जो अग्रवाल युवा सभा का चुनाव
चल रहा है उसी की आपको ये घटनाएं दिखाई दे रही हैं। हम चैनल के माध्यम से हर ताजा अपडेट कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से आपको दिखाई जाएगी। सुबह से ही वोट को लेकर चुनाव अग्रवाल जो अग्रवाल समाज के लोगों में उत्साह था और उत्साह के कारण ही यहां पर सुबह से ही लोग जुटने स्टार्ट हो गए थे। Thank you.